स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गुरु और गौरांग की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग आध्यात्मिक उन्नति भाग 25 पर चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए त्रिभि गुणो मये भावेरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम् नाभिजानाति ममिभ्य परमभयम्। त्रिभुगुणमय भावेरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति ममिभ्य परमभयम्। त्रिभुगुणमये भावेरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति ममिभ्य परमभयम्। शब्दार्थ। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तीन गुणों सत रज तथा तम के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। यह सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी ये उपाधियां स्थाई नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन अश्वर है और हम नहीं जान पाते कि हम अगले जन्म में क्या होंगे। किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं
तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल कारण हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। ओम अज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोनिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामीत नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान सातवें अध्याय के 13वें श्लोक में बोल रहे हैं कि तीन गुणों सत, रज तथा तम के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणाती तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम सब तीनों गुणों से ग्रसित हैं, या तीनों गुणों में हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और चूंकि हम इन तीन गुणों में फंसे हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं समझ पा रहे। भगवान को न समझने का मूल कारण यह है कि हम लोग तीन गुणों में फंसे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जब सतोगुणी व्यक्ति ही भगवान को नहीं जान सकता, सतोगुणी व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, तब तमोगुणी और रजोगुणी लोगों के विषय में क्या कहा जाए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों को मिलकर के ही हम सबका क्या बना है, प्रकृति या स्वभाव। ये प्रकृति के तीन गुण हैं, ठीक है ना। प्रकृति मतलब स्वभाव। हम सबका स्वभाव अलग अलग है। एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति के स्वभाव से भिन्न है। इसका कारण क्या है, क्यों एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति के स्वभाव से अलग है,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इन तीनों गुणों का अनुपात अलग अलग है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। जैसे शास्त्र में बताया गया, जैसे पीला, लाल और नीला तीन कलर मिलकर के करोड़ों रंग बन सकते हैं, है ना? इसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिलने से करोड़ों स्वभाव बन सकते हैं और बने हैं। हमारा स्वभाव दूसरे व्यक्ति के स्वभाव से भिन्न है, इसका मतलब क्या है? किसी में थोड़ा रजोगुण की मात्रा अधिक है, किसी में सतोगुण की अधिक है, किसी में तमोगुण का अधिक है। इस तरीके से आपस में जो इनका अनुपात है उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति के स्वभाव से भिन्न है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो तीनों गुणों से ग्रसित ये सारा संसार मुझे नहीं जानता है ना, हम सब भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, या भगवान के अस्तित्व को या भगवान को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है कि हम इन तीन गुणों में फंसे हुए हैं। अगर हम इन तीनों गुणों से निकले तो निश्चित रूप से हम भगवान को जान सकते हैं। इसको ऐसे समझे, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से नीचे क्या है, पशु योनि। जो सतोगुणी है वो कौन होते हैं, देवता या ब्राह्मण। जो सतोगुणी और रजोगुणी हैं वो कौन है, क्षत्रिय। और जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं वो वैश्य। और जो नितांत तमोगुणी हैं वो शूद्र। और इनसे भी नीचे पशु। जैसे इसको ऐसे समझें, एक तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति, तमोगुण समझते हैं, तमोगुण क्या है, अंशु को बताएंगे। हाँ, तमोगुण में गलत को लोग सही समझते हैं, जो तमोगुणी होते हैं वो सही को गलत बोलते हैं और गलत को सही बोलते हैं। और कोई जो अपने स्वार्थ के बारे में, जो केवल अपना ही भरण पोषण में रहते हैं वो तमोगुणी है, ठीक है। और अज्ञानी, हाँ, उनके अंदर ज्ञान का अभाव होता है ना। अज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है जो अधर्म को धर्म समझता है और धर्म को अधर्म समझता है। तो तमोगुण तो समझ में आ गया, और रजोगुणी रजोगुणी का मतलब है असीमित आकांक्षाएं, असीमित इच्छाएं, ये रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण है आलस, प्रमाद, है ना। और सतोगुण का लक्षण है ज्ञान की अवस्था, प्रकाश की स्थिति। तो हम सब या तो रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं। सतोगुण का लेश मात्र है जिसके कारण थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल झुकाव हम लोगों का बढ़ रहा है या आ रहे हैं। इसका मतलब है कुछ सतोगुण है, उसी के कारण हम जो भी आ रहे हैं तो आ रहे हैं। लेकिन आने के बावजूद, सत्य सुनने के बावजूद सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है, तमोगुण और रजोगुण। क्योंकि तमोगुण में व्यक्ति को ज्ञान शून्य होता है। जैसे पशु, आप किसी पशु को वो शरीर नहीं आत्मा है ये समझा सकते हैं हम लोग, ये संभव नहीं है। क्यों, क्यों नहीं समझा सकते, क्योंकि वो तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है, अज्ञानी है। अज्ञान, उसमें ज्ञान दिया नहीं जा सकता, उस शरीर में इतना अधिक अंधकार है कि वो सुनकर के भी समझ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि पशु सुनते नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे मनुष्य भी हैं, उनको आप बिठाओ, उनको समझाओ, पूरा आत्मज्ञान दो, लेकिन उनको डेला अंदर नहीं जाता। और ये बात भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि कोई इसे आश्चर्य से सुनता है ना, पढ़ा है,
कोई इसे आश्चर्य से बोलता है और कोई सब कुछ सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं समझ पाता। भगवान ने स्पष्ट कहा, गीता में ही भगवान ने बोला। और ऐसी स्थिति है, हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को तो समझ में आता है, जिनको समझ, अब किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या प्रमाण है, इसको भी समझ दीजिए। जिसको समझ में आ रहा है वो तो उस बात को अपने जीवन में उतार रहा है, बदल रहा है, उसकी जीवन शैली बदल रही है। और जो उतार ही नहीं पा रहा है, यानी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसको समझ आएगा तो हो ही नहीं सकता कि वो उसको अपने जीवन में न उतारे या उस मार्ग पर न चले। उस मार्ग पर न चलने का मूल कारण ही ये है। क्या कारण है मूल? कि वो तमोगुण से ग्रसित है। तमोगुण के कारण उसे सही बात समझ नहीं आ रही। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ग्रसित जो संसार है, ये मुझे मुझ गुणातीत, भगवान कैसे हैं गुणातीत है, उसे नहीं जान पाता। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई तमोगुणी व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति की बात नहीं समझ पाता है ना। जैसे इसको सरल भाषा में समझें, संसार में लोगों के आचरण व्यवहार से समझते हैं कि तमोगुणी कौन है, रजोगुणी कौन है और सतोगुणी कौन है। तमोगुणी वे लोग हैं जो व्यभिचार, शराब, नशाखोरी, आलसी, सुबह 8-9 बजे तक सोकर उठने वाले, रात में 2-2 बजे तक जागने वाले, ऐसे सारे के सारे लोग कैसे हैं? तमोगुणी। ऐसे लोगों को अगर ऐसे तमोगुणी लोगों को या ऐसे तमोगुणी लोगों से चर्चा किया जाए कि भाई अरे तुम शराब क्यों पीते हो, ये ड्रग्स क्यों लेते हो, ये ड्रग्स लेने से, शराब पीने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, तुम्हारा परिवार में भी संबंध खराब होंगे, समाज में भी तुम्हारा इंसल्ट होगा, तो इसको तुम बंद कर दो। लेकिन और उसको समझाएं कि नहीं, तुम अच्छे से व्यापार करो, खूब धन कमाओ, अच्छा सा लाइफ स्टाइल जियो, बढ़िया घर बनवाओ, बड़ी अच्छी कार लो, बड़ा अच्छा ऑफिस खोलो, है ना। लेकिन उसको उसकी बात समझ में आती है? उसको क्या समझ में आता है? उसको बढ़िया शाम को अच्छे सी अच्छी ब्रांड चाहिए और वो पिएगा और पीकर के फिर अपना पड़ा रहेगा, गालियां देगा, सोएगा, रात में जागेगा और दिन में सोएगा। तो तमोगुणी व्यक्ति को भी रजोगुण, जबकि दोनों का लेवल थोड़ा ही है, तमोगुण से ऊपर रजोगुण है, लेकिन उस तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति की बात भी समझ में नहीं आती, ऐसा व्यवहार में देखा गया है और हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से जो रजोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग वो लोग हैं जिनकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, दिन रात वो भोग में डूबे रहते हैं। उनको बढ़िया वस्त्र चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, खूब चटपटा, बढ़िया, अच्छे से अच्छा, है ना, चटकारे वाला। ऐसा भाव रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले लोग कौन होते हैं? रजोगुणी लोग होते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि मेहनत के बल पर वो संसार के बहुत सारा पदार्थ इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मृत्यु कभी भी आएगी और ये संसार का जितना भी पदार्थ, जितना फ्लैट, जितना जमीन, जितनी गाड़ी, जितना पैसा इकट्ठा किया है, कल ही इससे मालिकाना हक हम खो बैठे। ये रजोगुणी व्यक्ति को समझ नहीं आता। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलता है, बड़ा बड़ा कार्य करता है, लेकिन सोचता यह है कि जैसे वो इनका भोग जन्म जन्मांतर तक भोगेगा, यानी वो हमेशा जीवित रहेगा। ऐसी सोच रखने वाले कौन होते हैं? रजोगुणी लोग होते हैं। तो इन रजोगुणी लोगों की बात तमोगुणी लोगों को समझ में नहीं आती है ना, या इनके जीवन जीने का जो तरीका है या इनकी जो बात है वो तमोगुणी लोग नहीं समझ पाते, इनके आचरण को वो स्वीकार नहीं कर पाते। अब आते हैं सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति वो है जो कि विचार करता है कि वास्तव में वो कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे दो वक्त का भोजन चाहिए, एक बिस्तर चाहिए लेटने के लिए, है ना, कुछ वस्त्र चाहिए और थोड़ी सी आवश्यकताएं हैं, वो मेरी अच्छे से पूरी होती रहे, बकाया हम
जो वास्तव में शरीर नहीं आत्मा है उसके विषय में उसका चिंतन होता है। वो आत्मचिंतन करता हुआ अपने अगले जीवन को सुधारने का प्रयास करता है और इस जीवन में भी शांत रहता है, संतोषी होता है और ज्ञानमय होता है। ज्ञानमय का मतलब है वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। ये कौन जानता है? जो सतोगुणी है। लेकिन रजोगुणी वाले व्यक्ति को सतोगुणी वाले व्यक्ति की बात समझ नहीं आती। आप जाइए, आप बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको आप समझाइए कि देखो भाई कि क्या कर रहे हो, कितने दिन का है ना, तुम भगवान का माला करो, भजन करो, तुम्हारा कभी भी शरीर छूटेगा तो तुम क्या करो, कोई चीज साथ जाएगा? तो कहेगा डिस्टर्ब नहीं करो, अभी मेरी कई योजनाएं अधूरी पड़ी। प्रभुपाद जी बताते हैं एक सत्संग में कि एक बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनका शरीर छूटने का समय आया। हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों ने बोल दिया कि बस अब तुम्हारा ज्यादा ज्यादा दो तीन दिन के, दो चार हफ्ते के तुम मेहमान हो, दो तीन दिन, दो तीन हफ्ते के। तो वो व्यक्ति बड़ा गिड़गिड़ा रहा था डॉक्टर से, बोले डॉक्टर साहब तुम्हें जो पैसा चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ समय दे दो, मेरी कुछ योजनाएं पूरी कर ले, मेरी कुछ योजनाएं बची हुई है वो पूरी हो जाए, है ना। उसकी बात सुन के हमको हंसी आ रही है, आ रही है ना, लेकिन हमारी भी योजनाएं हैं, है ना। अभी हमको भी अभी पता चल जाए कि अभी दो दिन बाद शरीर छूटने वाला है, तो हम कहे बस भगवान थोड़ा सा समय और मिल जाए, बस कम से कम ये बच्चे हैं इनके लिए कुछ तो कर, कम से कम वसीयत तो कर ही दें रजिस्टर्ड, जो ये सब खाते पीते रहेंगे, है ना। तो ये वास्तविकता है कि हम सब इन योजनाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सत्य को जानता है कि वास्तव में कभी भी शरीर छोड़ना होगा और कभी भी शरीर छोड़ करके हम इस संसार से चले जाएंगे। संसार में किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है, ये शरीर का संबंध है, शरीर तक सीमित है बस। और जैसे शरीर क्षणभंगुर है वैसे ही शरीर के समस्त संबंध भी क्षणभंगुर है, उनसे भी मेरा कोई गहरा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता नहीं है। ये बात कौन समझता है? जो सतोगुणी है। तो इस सतोगुणी व्यक्ति की बात रजोगुणी को समझ में नहीं आती और रजोगुणी को तमोगुणी की बात समझ नहीं आती, है ना। क्या सतोगुणी व्यक्ति की बात तमोगुणी समझ सकता है? अरे जब रजोगुणी को ही समझ में नहीं आ रही है ना, तो तमोगुणी कहां से समझेगा? बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही भगवान बोल रहे, भगवान क्या है इन तीनों गुणों से। अब उनकी सोच क्या होगी? आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि वो सोच आपके पास है ही नहीं, वो व्यवस्था ही नहीं है आपके पास कि आप इतनी सोच, आपके पास जितनी बुद्धि है, जितनी सोच है, वो सारी सोच सारी बुद्धि लगा लो फिर भी आप भगवान के कार्यकलापों को, भगवान की भावनाओं को, उनको नहीं देख सकते। जैसे एक शराबी व्यक्ति जब किसी को धन कमाते देखता है या व्यवसाय करते देखता है तो वो अपनी दृष्टि से देखेगा, है ना। हर व्यक्ति का संसार को देखने का अपना एक नजरिया है, महसूस करते हैं। शराबी अलग तरीके से दुनिया को देखता है, व्यभिचारी अलग तरह से दुनिया को देखता है, बिजनेसमैन अलग तरह से दुनिया को देखता है और सतोगुणी व्यक्ति अलग तरीके से दुनिया को देखता है। जो रजोगुणी है उसको हर चीज में व्यवसाय नजर आता है, वो किसी भी कार्य में हमेशा व्यापार सोचता है, अरे इसमें भी ये होता है, इसमें ये फायदा ये नुकसान। तमोगुणी व्यक्ति केवल स्वयं के विषय में सोचता है और स्वार्थी होता है। स्वार्थी के साथ साथ स्वार्थी का मतलब केवल शरीर का सुख, जैसे पशु, पशु को अपना भोजन चाहिए, उसे अपने समाज के भोजन की चिंता नहीं है, यहां तक कि बच्चों को छोड़ करके परिवार की भी चिंता पशुओं को नहीं होती, है ना। वो तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि समस्त जीवों को भगवान ने ऐसी कृपा की है कि माँ का हृदय दिया है, ये माँ का अंदर जो दयालुता है, जो बच्चे के प्रति प्रेम है, ये ईश्वर की दी हुई कृपा ही है, वरना हम जैसे स्वार्थी लोग तो किसी को कुछ नहीं कर सकते। आज हम बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं या उनके लिए जो करने की कोशिश करते हैं उसका कारण क्या है कि ईश्वरी व्यवस्था है, ईश्वर ने ही ऐसा प्रेम दिया है माता पिता को कि वो
खुद के लिए नहीं करता, फिर भी किसके लिए करता है? बच्चे के लिए करता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि हम इसको समझें कि ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भगवान कैसे सोचते हैं, ये भगवान क्या है उनको नहीं समझ सकता। तो भगवान यही बोल रहे हैं इस श्लोक में कि इन तीनों गुणों सतो रज तमो के द्वारा मोहग्रस्त, इनमें फंसा हुआ व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति, ये सारा संसार मुझ गुणातीत को तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम भगवान कैसे सोच, भगवान का जब जैसे कार्यकलाप आप सुनते हो, जैसे दसवां स्कंद पढ़ते हो, तो भगवान की सारी लीलाएं हम लोग किस आधार पर सोचते हैं? जैसी हमारी बुद्धि है। भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, भगवान ने 16,108 आदमियों से शादी की, भगवान ने कौरवों को अर्जुन को समझा करके अपने सगे चाचा ताऊ के लड़कों को मरवा दिया, है ना? सारा आप देखो, अगर पूरा भगवान का पूरा जीवन, सारे कार्यकलाप देखो, तो आप अगर अपनी बुद्धि से देखोगे, जितनी आपके अंदर बुद्धि है, जिस बुद्धि पर हम बड़ा गर्व करते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं और बड़े समझदार हैं, अगर आप अपनी समझदारी वाली बुद्धि से देखो भगवान के कार्यकलाप, तो तुम्हें खाक समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा ये कर क्या रहे, ये क्या, ये क्या हो रहा, ये कर क्या, ये कौन से भगवान, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम कैसे सोचेंगे? तमोगुण भाव से, रजोगुणी भाव से, और कभी नितान थोड़ा बहुत सतोगुण आ जाए। इसीलिए हम भगवान के कार्यकलापों को या भगवान को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हम तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। तो यही बात भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ये तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी व्यक्ति जो हैं, ये भगवान को नहीं जाए। यहाँ तक कि सतोगुणी भी भगवान को नहीं जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रभु भगवान को केवल कहां तक जान सकते हैं सतोगुणी? ब्रह्म ज्योति तक, प्रकाश तक, बस। भगवान साक्षात, भगवान मतलब श्याम सुंदर, दो भुजाओं वाले, दो पैर वाले, भगवान के स्वरूप को सतोगुणी व्यक्ति भी नहीं समझ पाता, तब तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति कैसे समझेंगे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यह सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान पा सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। जैसे हम सब लोगों ने क्या देखा है, हम शरीर हमने धारण किया, माँ के गर्भ में हम आए, उससे हमारा जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ। तो जैसा हमने देखा है, ऐसे ही हम भगवान के विषय में सोचते कि नहीं सोचते कि भगवान भी माता देवकी के गर्भ में थे? ये बात कभी समझ में आती है? थोड़ा विचार करो, कभी विचार किया आपको क्या लगता है? भगवान जब माँ के गर्भ में थे, तो जैसे हम थे वैसे भगवान थे? तो हम भी मलमूत्र में उल्टे लटके थे और भगवान भी? क्या लगता है आपको, भगवान ऐसे थे कि नहीं थे? भगवान नहीं नहीं थे ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु अभी 500 साल पहले आए, वो बोले कृष्ण नहीं थे। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु तो उल्टे लटके थे। उनका प्राकट हुआ, जन्म नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही? क्या वास्तविकता ऐसी है या हमने समझा दिया? आपने कहा हाँ, आप समझ में आ गई बात। क्या आपका विचार क्या कह रहा, आपकी बुद्धि क्या बोलती है कि भगवान माँ के गर्भ में रहे या नहीं रहे? दो लोग प्रकट हो गए, गौरांग महाप्रभु किसे में डाउट है? वो भगवान राम भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं, वो तो 5,000 साल पहले की बात है, क्या था क्या नहीं था 500 साल पहले, तो अभी अभी जस्ट अभी ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, दशावतार तो समझ में आता है, दशावतार नरसिंह भगवान खम्भे फाड़ के प्रकट हो गए, ये बात समझ में आती है। ये तो हो सकता है ना कि भाई भगवान सर्वत्र है, खम्भे को फाड़ा निकल आए, ये समझ में, तो भगवान नरसिंह भगवान भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं, है ना? लेकिन आधे मनुष्य हैं, आधे सिंह हैं, ये भी थोड़ा अटपटा है, ये कैसे है? तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए आए हम लोग सुनते हैं, है ना? तो बड़ा भगवान के विषय में जब आप सोचोगे ना, वास्तव में हम लोग उतना सोचते कहां हैं,
हमें फुर्सत कहाँ होती है। हमारा मन को जब थोड़ा फुर्सत दो तब तो मन में तो चल रहा होता है अभी ये अभी इसकी बुराई उसकी स्तुति ऑफिस पैसा घर ईर्ष्या निंदा इनसे हम लोग अपने आप को फुर्सत देते हैं। अगर आप अपने मन का परीक्षण करो तो हम लोग अपने मन को खाली रखते हैं थोड़ी देर भगवत चिंतन के लिए भगवान की लीलाओं पर स्मरण करने के लिए भगवान के विषय को सोचने के लिए है ना। तो जब शांत मन हो स्थिर हो फिर भगवान की एक एक चीज पर थोड़ा विचार किया जाए कि क्या है ना। तो दसवां स्कंध भगवान के विषय में पूरी भगवान की लीलाएं हैं तो उनको समझने के लिए वास्तविकता में आप अपनी इस बुद्धि से जन्म जन्मांतरों में भी भगवान और भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते हो। इसीलिए कहा जाता है केवल शरणागत व्यक्ति ही भगवान को समझ सकता है। शरणागत का मतलब क्या होता है जिसका अपना विचार नहीं है। जो शास्त्र ने विचार दिया जो विचार आया वो उसे पक्का उस पर क्या है विश्वास और वो उसको वास्तविकता में मानता है। हम लोग तमोगुणी रजोगुणी लोग सही को सही नहीं मानते हैं हम गलत को सही मानते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं हम लोग तमोगुणी हैं रजोगुणी हैं या सतोगुणी हैं क्या विचार है तमोगुणी और रजोगुणी मिक्स है सतोगुण है थोड़ा बहुत कि नहीं थोड़ा बहुत है ठीक है तमोगुण की अधिकता है या रजोगुण की अधिकता है। कितने लोगों को लगता है कि हमारे अंदर रजोगुण की अधिकता है और कितने लोगों को लगता है मेरे अंदर तमोगुण की अधिकता है और कितने लोगों को अंदर ही अंदर लगता है कि मेरे अंदर सतोगुण की अधिकता है। बाहर तो नहीं बोलते लेकिन अंदर अंदर तो लगता ही है भाई उसमें लगने में क्या जाता है वो कितने लोगों को लगता है। बोले प्रभु जी वो अंदर की बात अंदर रहने दो वो सब हाथ मत उठवाओ सबके सामने क्योंकि हम अपने आप को थोड़ी कहेंगे कि हम सतोगुणी है। वो तो आप लोगों को देखना है आप लोगों को हमें प्रमाण पत्र देना है ना। वास्तविकता यही है भक्त कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता वो हमेशा अपने आप को क्या मानता है पतित मानता है। वो अपने आप को तमोगुणी रजोगुणी ही मानता है चाहे वो भले ही कितना शुद्ध क्यों ना हो। तो ये एक सही सोच है। तो खैर हम लोगों वास्तविकता में हम लोगों के अंदर तमोगुण अधिक है रजो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ये सब बातें होने में है ना। सतोगुणी है रजोगुणी है तमोगुणी है कम से कम अपना परीक्षण हम लोग करते हैं विचार करते हैं डे टू डे या मंथ के मंथ साल के साल के अब क्या स्थिति है सतोगुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा रजोगुण बढ़ा क्या बढ़ा क्या महसूस कर रहे हैं। सतोगुण बढ़ रहा है रजोगुण बढ़ रहा है या तमोगुण बढ़ रहा है भाई। जैसे जैसे आप साधना में समय देते जा रहे हो पुराने होते जा रहे हो सत्संग सत्संग सुन रहे हो माला हो रही है तो गुणों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं। ये जैसी सोच सत्संग में पहले आए थे वैसी रहनी चाहिए बदलनी चाहिए ना। तो अभी बदली है हमारा कुछ महसूस कर रहे हैं बदला है तमोगुण थोड़ा सा कम हुआ है रजोगुण हाँ बिल्कुल सही बात है। सही भाव यही है भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ये तमोगुणी तमोगुण रजोगुण और सतोगुण में कंपटीशन चलता है। कभी ये तमोगुण ताकतवर होकर के क्या करता है सतो और रजो को दबा करके ऊपर आ जाता है और कभी रजोगुण तमोगुण और सतोगुण को दबा करके ऊपर आ जाता है और कभी कभार साल में एक आध बार सतोगुण तमोगुण और रजोगुण को दबा के ऊपर आता है ना। और ये प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहती बार बार होता रहता है ऐसा। लेकिन हमें करना क्या है इस स्थिति में निरंतर रहना है यही साधना है। साधना का मतलब है कि हम सतोगुणी बन जाएं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम ध्यान से देखें तो हम तमोगुणी हैं। हालांकि इस बात को हम स्वीकार नहीं करते खास करके वो लोग नहीं स्वीकार करते जो 16 माला 4 नियम करने लगते हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते अंदर ही अंदर कम से कम कि वो तमोगुणी
है ना, होता है कि नहीं? हम सब स्वीकार कर देंगे तमोगुणी है, ऐसा होता है? हम क्या, नहीं नहीं हम तो कोई तमोगुण वाला काम थोड़ी कर रहे हैं। तमोगुण का लक्षण क्या है? जो सही को गलत कहे और गलत को, वो कौन है? तमोगुणी है ना। तो सोलह माला चार नियम वालों की क्या स्थिति है? हम लोग क्या महसूस करते हैं? गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं, क्या विचार? जिस दिन वास्तव में बोलने लगेंगे उस दिन हम सच में सत्वगुणी बन गए। इसको बड़ी सरल भाषा में समझो, मृत्यु कभी भी हो सकती है या अभी 10-20 साल हम जिंदा रहेंगे, कौन सी बात सही है? शरीर कभी भी छूट सकता है, ये बात सही है कि नहीं? 30 साल अभी रहेंगे, ये सही है? आप कौन सी चीज को आधार बना के जीवन जी रहे हो? तो ये तमोगुण का लक्षण है या सत्वगुण का? तो आप कौन हो? हाँ बस ठीक, इतनी खेलवाना चाह रहे। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए, वास्तविकता है। जिस दिन हम सच में सत्वगुण होते हैं ना, फिर हमारा हमें दिखता है कि नहीं नहीं कभी भी शरीर छूट जाए, कहे के लिए ये संसार में किसी भी व्यर्थ की चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं होगी। सब में लगेगा मेरा टाइम किल हो रहा है। मनुष्य जीवन में एक दिन है, 2 महीने है, 1 साल है, कितना दिन बचा है मेरे पास मुझे पता नहीं है, और हम व्यर्थ की चीजों में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इन सबसे बचाओ। ये मनुष्य जीवन में ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा निष्काम कर्म करो, क्योंकि ये ही कर्म मुझे अगला शरीर प्रदान करेंगे। फिर वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, भौतिक में भी 3 प्रकार के शरीर हैं, 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। वैसे अगर आपको च्वाइस दिया जाए कि शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना है, तो कौन सा शरीर चुनेंगे? कौन सा चुनेंगे? मनुष्य शरीर। ठीक, काकभुसुंडी जी वाला। अच्छा, तो काकभुसुंडी वाला शरीर लेंगे, ठीक है। और तो शरीर बड़ा प्रश्न ये है, वो तो बाद की बातें हैं। हम पहले पूछ रहे हैं, शरीर आपको ये छूटे तो कौन सा शरीर चाहिए? मान लो आपको ऑप्शन मिल जाए कि आपका शरीर छूट रहा है, अभी आपको वैरायटी है, 84 लाख योनियां है ना, तो उनमें आपको कौन सा शरीर चाहिए? क्या सोचते हैं आप? इस पर विचार नहीं किया कभी? शरीर नहीं चाहिए, कैसा भी शरीर नहीं चाहिए, बैकवर्ड लोग। तो वहां भी तो कोई ना कोई शरीर होता है कि नहीं होता? वहां पर ये दिव्य बोल करके सबको कंफ्यूज कर दो, बोले वहां सब दिव्य, अब दिव्य अब क्या है दिव्य? बोले दिव्य है, अब दिव्य के आगे पूछोगे नहीं आप। तो मैं शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए ये पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मुझे इस शरीर को छोड़ने के बाद भाई मृत्यु होनी है, ये तो निश्चित है, है ना? तो मैं मृत्यु का अगला स्टेप का आपको ऑफर दे रहा हूं कि मान लो आपका मृत्यु हुआ, शरीर छूटा, तो फिर आपको कौन सा शरीर चाहिए? क्या सोचते हैं आप? मनुष्य शरीर। देवता का शरीर। कितने क्या इच्छा है अपनी इच्छा तो बता। अच्छा भाई मनुष्य वाले कितने हैं? अरे सब वापस आना चाहते हैं। अच्छा मनुष्य बनने के बाद फिर क्या करेंगे? बोले प्रभु जी फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर पैसे कमाएंगे। नहीं, नहीं, अरे भाई मेरा प्रश्न यह है, आपने कहा कौन सा शरीर चाहिए, मनुष्य में सबने हाथ खड़ा कर दिया है ना, कि भाई मनुष्य। तो मान लो आपको शरीर छोड़ने वाला, फिर मनुष्य शरीर क्यों चाहिए? एक जन्म में नहीं जा सकते, ये कहां लिखा है? कौन से ग्रंथ में, कौन से शास्त्र में, कौन से आचार्य ने ये कहा है कि हम इस जन्म में या एक जन्म में कोई भगवत धाम नहीं जा सकते,
ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं पर किसी आचार्य ने नहीं कहा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। ठीक है, हम शास्त्र के अनुसार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने तीन जन्म, वो तो तीन जन्म हम जैसे बदजीवों को दिखाने के लिए। भागवत में जितने पात्र हैं, जितने आचार्य, सब मुक्त हैं, ये सब रोल कर रहे हैं। अर्जुन, भरत, जितना भी है ये सब मुक्त हैं। जय विजय सब भगवान के पार्षद। ये हम जैसे लोगों को कुछ लीला करके दिखाने आए हैं वास्तविकता में क्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम यही माने बैठे, बोले इस जन्म में तो होना वैसे ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा करते रहो 50-50, थोड़ा भक्ति भी हो जाए, थोड़ा संसार का भोग विषय भी हो जाए, जाना तो वैसे ही नहीं इस जन्म में, यही सोच रखा है। क्या सोचते हैं? हाँ देखो, रामचंद्र बिल्कुल सही होता है, इसी जीवन में इसी समय हो सकता है। तो मेरा प्रश्न ये था, हम फिर वहीं पहुंच रहे हैं कि भाई इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको क्या चाहिए? मनुष्य। आप सबने कहा मुझे फिर से चाहिए क्या? मनुष्य। अच्छा, फिर मेरा अगला प्रश्न था कि मनुष्य जीवन क्यों चाहिए, वो बता दो। और फिर बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, और फिर जो मन जाए वो करते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? मेरा आपसे प्रश्न है कि भाई अगला जीवन मिला तो किस लिए? आप मनुष्य जीवन क्यों सोचते हैं कि हमें अगला जीवन मनुष्य मिले? अपनी भक्त साधना को आगे कर सके, इसलिए इसलिए ठीक है। और गुरु जी अगर ज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर वापस उसी तमोगुण में आ जाएंगे। नहीं, खटवांग महाराज एक मुहूर्त में चले गए। ढेरों ऐसे आचार्य हैं, परीक्षित महाराज 7 दिन में भगवत धाम गए। आप एक जन्म की बात करते, हम तो दिनों घंटों की बात करते हैं, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं आपको। सारा खेल सोच पे है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, या तो कोई सत्य को क्षण भर में समझ सकता है, और या जन्म जन्मांतरों में कभी नहीं। ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। और जो 5% 6% वाली बात है ना, वास्तविकता में हम लोग तो माइनस वाले हैं, इसको भी हम क्लियर कर दें। कई बार हम लोग बड़ी गलतफहमी में रहते हैं, इसको समझ लो। या तो सही तरह से कार्य होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। ये बीच की कोई स्थिति नहीं, ये तो सही है या गलत है। जैसे आप 2017 में भक्तों के संपर्क में आए, ठीक है, भक्ति को समझा, आत्म तत्व को समझा, जाना, माला शुरू की, 4 नियमों का पालन शुरू किया, तो 18, 19, 20, 21, 22, 25 होते होते भक्ति बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। लेकिन इस जीवन में ही क्या देखा गया है, अभी तक का क्या अनुभव है? इसका कुल कारण है क्योंकि हम भक्तों के संपर्क में नहीं रहे। भक्तों का संग जिस चेतना से करेंगे वैसा होगा, ऊपर या नीचे। तो मूल बात समझने की यह है, और कोई बात नहीं, हम ये बताना चाहते हैं, ऐसा मत सोचो कि नहीं इस जन्म में हमारा 10% तो पक्का हो ही जाएगा और फिर अगली बार 1100 होना है, अभी हम चाहे जैसे करें, हमारा ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है। नहीं,
माइनस में भी जाता है। कई बार तो वज्रलेप लगा लेते हैं। वज्रलेप का मतलब होता है पाप करो वो कटेगा ही नहीं। जैसे वैष्णव अपराध, धाम में जाकर के अपराध, इन अपराधों के होने पर हम जैसे इसको समझ लो अपराध। वज्रलेप का मतलब क्या होता है? ऐसा अपराध जिसके होने का कभी दंड मिलने के बावजूद भी नहीं कटना। जैसे कोई हमसे पाप बन गया, उस पाप का हमको परिणाम मिल गया और वो पाप नष्ट हो गया। लेकिन वज्रलेप का मतलब यह है कि वो पाप हुआ उसका दंड मिल गया। मान लो कोई हमसे पाप हुआ, हमारे हाथ में गलाव पड़ा और गल गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन वो जैसे तैसे हल्का सा हुआ, फिर गलाव पड़ गया, फिर गलाव पड़ गया, फिर मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो सिचुएशन बार बार क्रिएट हो रही है, इसको बोलते हैं वज्रलेप। यानी जब हम भगवान के धाम में गलती करते हैं, भगवत धाम में जाकर के, वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में जब हमसे अपराध होते हैं, तब हमसे क्या है ये वज्र, वो फिर नष्ट नहीं होता, वो उसका परिणाम मिलने पर भी खत्म नहीं होता। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हम मनुष्य जीवन में हैं, अभी हम मंदिर आ रहे हैं और हम 16 माला कर रहे हैं, चारों नियम कर रहे हैं, तो हमारा तो भक्ति बढ़ी रहा है, हो सकता है हम 10% हो जाएगा, अगली बार से फिर मेरा 11% हो जाएगा। नहीं, इस गलत फहमी से बाहर आए। अगर वास्तव में हम 10% पहुंचे हैं तब जरूर हमें 11% होगा, लेकिन कई बार अधिकतर देखा गया है कि लोग 10% से नहीं पहुंचते, 10% से माइनस में ही आते, क्योंकि इसका आचरण आप स्वयं अपना जज करो। पहले जब 17 में आप आए और 24 में, या मान लो कोई 20 में आया, 25 15 में आया और 20 तक आते आते हमारी भावनाएं, हमारी साधना, हमारी सेवा, हमारा विचार, हमारी सांसारिक आसक्ति कम हो रही है या बढ़ रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन में हम ऊपर ही जाएंगे या उसके बाद अगला जन्म मिलेगा तो फिर हमारा शुरू हो जाएगा, फिर से अपने आप हम वहां से शुरू करेंगे। ये निश्चित है कि हाँ, भक्ति जहां से खत्म होती है वहीं से शुरुआत होती है, लेकिन जहां से खत्म होती है, तो कहने का मतलब है हमें बहुत सावधान होना चाहिए अपनी साधना को लेकर के, कि वास्तव में हम प्रगति कर रहे हैं या। अच्छा, एक सरल सी बात बताओ, आप कैसे जानोगे कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हो या प्रगति नहीं कर रहे? चलो इसका उत्तर, और एक उत्तर दूसरा, हाँ दूसरा लक्षण है कि हम जो भगवत सेवा, भगवत भजन कर रहे हैं, इसमें हमें आनंद आना और इसमें आनंद बढ़ना, इन एक्टिविटीयों में और रस आना, बहुत अच्छा। और सांसारिक भोग विलास में हमारी रुचि कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, संसार पे, संसार से हमारा आसक्ति कम होगा, ठीक है। और मन बार बार भगवान की सेवा में, भगवान के मंदिर की तरफ, भगवान के साहित्य की तरफ, बार बार भगवत विषय में मन का जाना, संसार से निकल करके बार बार उस तरफ जाना, ठीक है। वैष्णव जन और गुरुजन के प्रति जो है शरणागति का भाव, हाँ जैसे हमारा संसार में पत्नी बच्चे परिवार में आसक्ति होती है, है ना, जबकि ये संबंध कैसा है, केवल शरीर का संबंध है, 20-30 साल पहले नहीं था और 20-30 साल बाद नहीं रहेगा, लेकिन इस संबंध को निभाने के लिए लोग कितना शरणागत होते हैं, उस शरणागति की कोई तुलना नहीं है, है ना। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति और भगवान के प्रति मेरी क्या शरणागति है या मेरी क्या सेवाएं हैं या मेरा क्या समर्पण है, उसे हम देख सकते हैं। तो जब हमारा शरणागति भगवान के प्रति बढ़ती है, गुरुजनों के प्रति बढ़ती है, वैष्णवों के प्रति बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि हम प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी सेवाओं में बढ़ती है, हमारी सहभागिता अगर बढ़ रही है या घट रही है, इससे भी हम पता कर सकते हैं। हाँ, हमारी सेवाएं, आध्यात्मिक सेवाएं अगर हमारी बढ़ रही है तो हम कैसे, और सेवाओं में भी, सेवाओं में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सेवा करने में आनंद का बढ़ना या आनंद का घटना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें भगवत सेवाएं आनंदित कर रही हैं, आह्लादित कर रही हैं और अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तब मेरी प्रगति हो रही है।
और अगर हम किसी सेवा को कर रहे हैं, अरे अब कोई नहीं कर रहा, उसको ही बोला हमको ही करना है, मन में गाली देते जा रहे हैं और कोसते जा रहे हैं और लगे हुए हैं, तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। भगवत सेवाएं स्वाभाविक हैं और बड़ी संजीदगी इसके साथ होनी चाहिए। जैसे हम अगर अपने लिए कोई कार्य करते हैं तो हम कैसे करते हैं, बहुत सावधानी से करते हैं, और दूसरे के प्रति कई बार उतनी सावधानी नहीं रखते। और फिर स्वभाव की बात भी होती है, कई लोग अपनी चीज के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं रखते लेकिन दूसरे की चीज को लेकर के बहुत सावधानी बरतते हैं, है ना। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के जाओ तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा ध्यान न दो, लेकिन कई बार हम अगर किसी की मांग करके ले जाते हैं तो हमें बड़ा रहता है कि नहीं नहीं इसको कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एक ऐसा स्वभाव है और एक इसका विपरीत स्वभाव होता है। वो अगर अपनी चलाएगा तब तो फिर उसका बहुत ध्यान है और दूसरे का क्या फर्क पड़ता है, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे ही भगवत सेवाएं, भगवत सेवाओं में अगर हमारी अपने घर की सेवा है, मेरा अपना कोई फायदा या नुकसान है, तब तो हम चाहेंगे और फायदा होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। और भगवत भगवान का कोई सेवा है, गुरुजनों का सेवा है, भक्तों का है, तब अरे इतना थोड़ा ठीक है, अरे जैसा हो गया जितना हो गया सेवा ही तो करनी है। तो भावनाएं, सारा खेल भावनाओं का है कि हमारी भावनाएं कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जब भावनाएं सही दिशा में होंगी, वास्तविक जुड़ाव के साथ होंगी, तब समझना चाहिए कि मेरा प्रगति आध्यात्मिक जीवन में हो रहा है। ये नहीं मानना चाहिए कि हम केवल मंदिर आ रहे हैं और जा रहे हैं तो हमारी उन्नति हो रही है, नहीं। हाँ, जो नहीं आ रहे हैं उनसे अच्छा है कि हम आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या स्कूल में डेली जाने वाला हर बच्चा अच्छे मार्क्स ही पाता है, उसकी अटेंडेंस चेक करी जाए, बोले 100% कोई गैप नहीं है इसका, लेकिन रिजल्ट आता है तब वो पता चलता है कि हाँ उसने प्रगति की है या नहीं प्रगति की। तो कहने का मतलब है सेम इसी प्रकार से हमको भी भगवत सेवाओं में मेरी आसक्ति बढ़ रही है तब हम सही हैं। और मूल बात मैं जो कह रहा था कि हमें अगला शरीर क्यों चाहिए, अगला शरीर मनुष्य का चाहिए, आपने बताया हमें इसलिए चाहिए, तो अगले शरीर की चिंता मत करो, अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसे व्यर्थ में जाया क्यों करें, हम भगवत सेवा में लगे, हम उसको समझें कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमारी आसक्तियां भगवान में बढ़ें, क्योंकि संसार में आसक्ति रखने से परिणाम हम ही को क्या मिलने वाला है। भाई आप कहेंगे कि संसार में आसक्ति आप क्यों कटवा रहे हो, कई बार हमको पति पत्नी आते हैं वो बुरा मान जाते हैं, बोले प्रभु जी के सत्संग में ज्यादा जाओगे ना तो फिर सब, लेकिन फायदा दोनों का ही है कि नहीं है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें कष्ट होगा कि नहीं होगा, चाहे पत्नी शरीर छोड़े चाहे पति शरीर छोड़े, शरीर तो सबको छोड़ना है। और जब शरीर छोड़ेंगे तो जब शरीर से हमारी आसक्ति है तब क्या होगा, हमको कष्ट होगा। इसलिए कर्तव्यों को निभाएं, आसक्ति भगवान में बढ़ाएं, पति पत्नी के केंद्र में क्या होना चाहिए, हाँ काम नहीं होना चाहिए, शाम होना चाहिए, है ना। केंद्र में क्या होना चाहिए, दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करें, ऐसा भाव होगा तब क्या होगा, हम गृहस्थ जीवन में रह करके भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो खैर टाइम काफी हो गया। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य देवता पशु आदि, इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक सतोगुणी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म से आगे नहीं बढ़ पाते। अब आप सोचो, प्रभुपाद जी बता रहे हैं सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी सब भगवान को, देवता मनुष्य सब भगवान को भूल चुके हैं, हम लोग सब क्या कर चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं, लेकिन देवता तक भूल चुके हैं। सोचो, देवता तो सतोगुणी होते हैं लेकिन वो भी भगवान को नहीं जान पाते। देवताओं के राजा कौन है, इंद्र, और इंद्र खुद अपराध कर बैठते हैं भगवान के प्रति। देवों में सबसे श्रेष्ठ देव हैं कौन, ब्रह्मा जी, जो सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो भी अपराध कर बैठते हैं किसके प्रति, भगवान के प्रति, है ना। तो इसलिए हम लोगों को
ये बड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि सतोगुणी व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोगों को तमोगुण रजोगुण सतोगुण से क्या करना है, ऊपर उठना है। और ये तभी संभव है, हालांकि थोड़ी मुश्किल होती है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती, रजोगुणी व्यक्ति को सतोगुणी व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती, और सतोगुणी व्यक्ति को गुणातीत की बात समझ नहीं आती। तो इस लेकिन हमें स्वीकार करना होगा, भगवान ने जो हमको बताया उसको अगर हम स्वीकार करेंगे वास्तव में, तो निश्चित रूप से हमारा क्रमिक विकास होगा और हम जान पाएंगे कि वास्तव में भगवान कौन है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो खोज तीन भौतिक गुणों के नाम बताएं और बताएं कि किस तरह के लोगों में क्या गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। तीन भौतिक गुणों के नाम बताएं, किसको पता है? केवल एक लोग को पता है, बस सबको पता है, प्रभु जी बताएंगे। वर्मा जी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है। किस तरह के लोगों में क्या गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, ये कौन बताएगा? हाँ बताइए। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो व्यभिचारी होगा, नहीं नहीं, वो तो गुण पे चर्चा की अभी बताया था ना, नकुल रोग। हाँ, हाँ, सतोगुणी जो है वो ब्राह्मण है, सतोगुणी और रजोगुणी क्षत्रिय है, तमोगुणी और रजोगुणी वैश्य है, और तमोगुणी शूद्र है, और पशु हाँ घोर तमोगुणी। ये शारीरिक पद क्यों जरूरी नहीं है और ये हमें क्या बोलने को मजबूर करते हैं? शारीरिक पद क्यों जरूरी नहीं है? हाँ, शारीरिक पद जो है वो सब क्षणिक है, क्योंकि हम वास्तव में आत्मा है, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये हमें क्या बोलने को मजबूर करते हैं? जैसा तमोगुणी बुद्धि होगी तो वो उस तरह से बात करेगा, है सही को गलत बोलेगा, गलत को सही बोलेगा। रजोगुणी होगा तो भ्रमित होगा, और सतोगुणी होगा तो सही को सही और गलत को सही कहेगा। एक सतोगुणी के लिए परम सत्य का क्या मतलब है? हाँ, ब्रह्म ज्योति। कृष्ण भावना भावित होना क्यों जरूरी है? हाँ, ये तीनों गुणों को पार करके है, ठीक है। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप बहुत से लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको भी भाग लेना चाहिए, है ना, बताना चाहिए, गलत सही की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अगर साधारणतया सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करेंगे तो जरूरी जरूरत की सभी वस्तुएं अपने आप आएंगी। सभी जीव अनाज पर निर्भर करते हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, यज्ञ वर्षा से होती है, यज्ञ अपने नियत कर्म करने से होता है। जब पर्याप्त मात्रा में अन्न होता है तो बिना किसी कठिनाई के जानवरों और मनुष्यों का पोषण किया जा सकता है, यह प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और सिर्फ मूर्ख ही यह सोचते हैं कि वे भगवान की बनाई वस्तुओं को बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वह देखे भगवान के नियमों का पालन बिना आपस में समाज या राष्ट्र में लड़ाई किए हुए हो।
भगवान के दिए हुए उपहारों का ठीक तरह से उपयोग करें, विशेषकर अन्न जो कि वर्षा से उत्पन्न होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया, यज्ञात भवति पर्जन्तो पर्जन्यो, अर्थात नियमित वर्षा के लिए समाज को यज्ञ करने चाहिए। पहले के समय में यज्ञ घी अन्न की आहुति से होते थे, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य के पापमय जीवन के कारण घी और अन्न का उत्पादन कम हो गया है। हमें कृष्ण भावनामृत अपनाना चाहिए और श्रीमद् भागवत और शास्त्रों के निर्देश हरे कृष्ण मंत्र का जप एवं कीर्तन करना चाहिए। यदि पूरे संसार में लोग भगवान के नाम कीर्तन का आध्यात्मिक कंपन के रूप में जप व कीर्तन करें तो वहां वर्षा की कोई कमी नहीं होगी और धीरे धीरे अन्न फूल फल अपने आप उत्पन्न होंगे, जिससे जीवन की सभी जरूरतें अपने आप पूरी होंगी। गृहस्थ को ऐसी सभी प्राकृतिक उत्पादन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बुद्धिमान को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार भगवान नाम के पवित्र जप व कीर्तन के द्वारा करना चाहिए। जीवन की सभी वस्तुएं अपने आप आएंगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से आपके जीवन में पूर्णता आती है। खाली आध्यात्मिकता नहीं, भौतिकता की चीजें भी आपको प्राप्त होती हैं। खास विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो अन्न है वो किससे उत्पन्न होता है, वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है, यज्ञ से। और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो ये जब यज्ञ करने से क्या होगा, हमारी समस्त जरूरतें पूरी होगी। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक स्वयं भी जप करना चाहिए और अन्यों को भी जप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रचार ही सार है। श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वैष्णव की पहचान यह है कि उसने कितने वैष्णव बनाए हैं। एक भक्त की पहचान कैसे है, कोई कहे कि हम भी वैष्णव हैं, हम भी 16 माला चार नियम करते हैं, लेकिन वो कैसे जाना जाए कि ये वैष्णव है या वैष्णव नहीं है। शील भक्ति विनोद ठाकुर, हमें अपने विचारों से अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, हमको गुरुजनों के आधार पर इसे स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि किसी वैष्णव के पद की परीक्षा यह देखकर की जा सकती है कि वह कितना अच्छा पारस पत्थर है, अर्थात यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए हैं। वैष्णव को पारस पत्थर होना चाहिए जिससे वह प्रचार द्वारा अन्यों को वैष्णव बना सके। भले ही कोई बहेलिया जैसा पतित क्यों न हो, ऐसे अनेक तथा कथित बढ़े चढ़े भक्त हैं जो अपने निजी लाभ के लिए एकांत में बैठे रहते हैं। वे प्रचार करने तथा अन्यों को वैष्णव बनाने के लिए बाहर नहीं जाते, अतः वे निश्चय ही स्पर्श मणि नहीं कहे जा सकते। कनिष्ठ अधिकारी भक्तगण अन्यों को वैष्णव नहीं बना सकते, किंतु मध्यम अधिकारी वैष्णव प्रचार द्वारा ऐसा कर सकता है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है वो किसी को भक्त नहीं बना सकता, लेकिन मध्यम अधिकारी जो है वो भक्त बना सकता है। तो हम अगर वैष्णव हम बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आचरण में ये देखना होगा कि हमने कितने सारे लोगों को भगवान का भक्ति में लगाया है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने 16 माला जप चार नियमों का पालन और एकादशी व्रत का पालन करवाया है। तो प्रचार ही सार है। तो हम सब लोगों को अपने जीवन में ये बहुत गंभीरता से प्रभुपाद जी के इस आदेश को लेना चाहिए, क्योंकि हमको भक्त बनना है, वैष्णव बनना है। और वैष्णव हमें कैसे बनेंगे, जब हमारा वैसा आचरण होगा। तो हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 16 माला चार नियम और एकादशी व्रत का पालन करवाना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा कि अभी तक आप लोग प्रयास कर रहे हो, कितने लोग प्रयास कर रहे हैं 16 माला चार नियम और वो करवाने का, बहुत अच्छा है। तो अभी आपके टच में कितने लोग ऐसे हैं जो 16 माला जप करने लगे हैं और एकादशी व्रत कर रहे हैं और गीता का एक श्लोक कम से कम पढ़ रहे हैं, जी कितने लोग हैं, जी आप बताएं। सोलह माला करते हैं आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने कितने लोगों को करवाया है। मेरा प्रश्न है कि आपके प्रेरणा से, आपके फॉलोअप से, आपके ध्यान देने से कितने लोग ऐसे हैं जो 16 माला जप करने लगे।
बहुत अच्छा। और नहीं नहीं सोल अच्छा है वो तो। हमारा प्रश्न भी ये है, सोले माला वाले कितने लोग आपने क्रिएट किए जो सोले माला माला कर रहे हैं? एक लोग हैं, दो लोग हैं, ठीक। और सोले माला जो अपना वहां कार्यक्रम किए थे वहां कर रहे हैं सब लोग? प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है उनका? बहुत अच्छा है। और गिरीश प्रभु सौरभ प्रभु सोलह माला कर रहे हैं? पूरा सोलह कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और कोई भक्त? हम प्रचार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अजीत प्रभु, राजेश प्रभु, हमें थोड़ा गंभीरता से प्रचार करना चाहिए। जोशी प्रभु, अंशुल प्रभु, हम सब लोगों को प्रयास करना है, ठीक है। प्रचारी सार रोज करते रहे, पूरी 64 क्लासेस तो हो गई। प्रचारी सार रोज किया हम लोगों ने, लेकिन परिणाम तो हम लोगों को जहां दिक्कत आए वहां बताओ, लेकिन प्रयास तो करो। मेन प्रॉब्लम यह है कि आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हो, बस, और कोई कारण नहीं। तो जितना सुना है उतना सफिशियंट है लोगों को भक्त बनाने के लिए। तो इतनी बात अगर आप बार बार रिपीट करो, लोगों को प्रॉपर फॉलोअप करो, थोड़ा उनको प्यार दो, तो बहुत आसानी से लोग सोलह माला करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप लोग कर ही नहीं रहे हो। प्रॉपर डायरी बनाओ, प्रॉपर रखोगे, हाँ ये भक्त को हमें अभी चार माला कर रहा है, इसने एकादशी व्रत शुरू कर दिया, ये चार नियम पालन कर। एक प्रॉपर डायरी होनी चाहिए हर भक्त के पास, खास करके जो वास्तव में इस दिशा में बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति बढ़ेगा ये कोई गारंटी नहीं है, हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग आएंगे और जाएंगे, है ना। तो वो तो जीवन चलता रहेगा, वो विषय नहीं है। विषय केवल ये है कि हम कितने लोग ऐसे हैं जो बढ़ना चाहते हैं। तो जो बढ़ना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से, एक सबसे बड़ी समस्या है हमारी, हम केवल तब तक प्रगति करते हैं जब तक हम आदेशों को मानते रहते हैं। बस जैसे ही हमने आदेश मानने शुरू किए, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना नजरिया लगाया, वहीं सब काम खराब, फिर प्रगति रुक जाती है, फिर हम बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग डायरी बनाएंगे अपना, भक्त बनना है, वैष्णव बनना कितने लोगों को पसंद है? हर भक्त चाहता है। वैष्णव मतलब जो भगवान का सेवक हो, भगवान के आदेशों के अनुसार चले। तो हम सब लोगों को वैष्णव बनना है तो क्या करना है? सबसे पहले प्रचार के प्रति गंभीर रहना है, क्योंकि अपना भला केवल नहीं सोचना है, हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला होना चाहिए। हमारा भला हो ना हो, लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद नियम न पालन करें। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले हमें अपना जन्म सार्थक करना है। तो ठीक है, आज इसको विश्राम देते हैं। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करें मीटिंग के विषय में। किसी की जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी,